सत्य के साथ। मसूरी में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने को लेकर नगरपालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को मसूरी नगरपालिका प्रशासन द्वारा अधिशासी अधिकारी यूडी तिवारी और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अब्बास सिंह के नेतृत्व में मसूरी में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत दुकानों में इस्तेमाल होने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया। वहीं दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। अधिशासी अधिकारी यूडी तिवारी ने बताया कि लगातार पालिका प्रशासन द्वारा लोगों को पर्यावरण और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने को लेकर विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, परंतु इसके बाद भी देखा जा रहा है कि कई दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पालिका प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और अगर चालान होने के बाद भी दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ म्युनिसिपल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जिससे पर्यावरण के साथ जंगली जानवरों और इंसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। नगर पालिका क्षेत्र मसूरी में पूरे दिन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और हम यहाँ पर जहाँ जहाँ भी व्यापारी से या सब्जी वालों से किसी भी पूर्व तीन मिलेगी उनके हम चालान के द्वारा वसूली और प्रतिबंध लगाएंगे। हमारे तो ये पॉलिसी है कि हम पूर्व तीन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करेंगे और उसमें जो है आगे के जो भी कार्य वो करेंगे। सत्य के साथ।